नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिनभर की कुछ खास खबरों के साथ। आज सावन का पहला सोमवार और सावन का महीना महादेव को समर्पित है। सावन का पहला सोमवार शिव भक्तों के लिए खास माना गया है। इस दिन भगवान शिव का जलाभिषेक करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होने की मान्यता है। सावन के पहले सोमवार को भगवान शिव के साथ माता पार्वती की पूजा अर्चना करने से वैवाहिक जीवन सुखद होता है। आइए जानते हैं सावन के पहले सोमवार की पूजा विधि और महत्व। सावन के पहले सोमवार सुकर्मा योग का शुभ संयोग बन रहा है। सुकर्मा योग दोपहर 12:35 से शुरू होगा। ज्योतिष शास्त्र में सुकर्मा योग को अत्यंत शुभ माना गया है और शिव भक्त सुबह जल्दी उठ जाएं और स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद साफ वस्त्र धारण करें। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। सभी देवी देवताओं का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान शिव की आरती करें और भोग भी लगाएं। इस बात का ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीजों का भोग लगाया जाता है और भगवान शिव की पूजा में प्रयोग होने वाली सामग्री में पुष्प, पंचफल, पंचमेवा, रत्न, सोना, चांदी, दक्षिणा, पूजा के बर्तन, कुशासन, दही, शुद्ध देशी घी, शहद, गंगाजल, पवित्र जल, पंचरस, इत्र, गंध रोली, मौली जनेऊ, पंचमिष्ठान, बिल्वपत्र, धतुरा, भांग, बेर, मंजरी, तुलसी दल, मंदार पुष्प, गाय का कच्चा दूध, ईख का रस, कपूर, धूप, दीप, रूई, मल्यागिरी, चंदन, शिव व माँ पार्वती की श्रृंगार की सामग्री आदि। सोमवार का व्रत करने से भगवान शंकर की विशेष कृपा प्राप्त होती है। सावन का महीना भगवान शिव को अतिप्रिय होता है, जिस वजह से इस माह के सोमवार का महत्व सबसे अधिक होता है। आप लोगों को बताते चले कि इस बार सावन के 8 सोमवार पड़ रहे हैं। आज सुबह शिवभक्त गंगा जी के दर्शन कर स्नान कर गंगा जल लाकर शिवालय के लिए पैदल चल जलाभिषेक किया, जिसमें तांबेश्वर महादेव मंदिर और जागेश्वर और मजिलगांव कुंडेश्वर में भक्तों की भीड़ रही और पुलिस प्रशासन खागा नगर से हाईवे को एक लाइन कांवरिया के लिए खाली, उसमें वाहन वर्जित कर दिया गया था और पुलिस बराबर पेट्रोलिंग कर रहे थे और भीड़ नियंत्रित करने के लिए पुलिस प्रशासन मौजूद थे और आए हुए भक्तों को शिव गंगे कांवर कमेटी संघ की ओर से भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें सभी श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण किया। आए सुने क्या कहा पुजारी गोपालदास जी और शिव गंगे कमेटी के कमलेश ने। आप देख रहे हैं एमपी न्यूज कास्ट उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय पटेल की कवरेज फतेहपुर से। देख रहे हैं कि मंजिलगांव कुंडेश्वर में भंडारा भी चल रहा है और कांवड़िया भी आ रहे हैं। यहाँ के क्या मान्यता है इस विषय में? क्या बहुत कुछ मान्यताएं है। प्राचीन मंदिर है जी, प्राचीन मूर्ति है, हमारे यहाँ ग्रंथी होती है जी, कहीं पाई नहीं जाती है जी जी, सबसे बड़ी वही पूरी है। भोलेनाथ के 3 दिन बदलते हैं दिन में। जैसा कि कांवड़िया आते हैं, कहाँ कहाँ से लोग आते हैं दर्शन से? आते मंडुआ घाट से चलते हैं जी, उधर मंडुआ घाट है, सब तमाम है और गांव तमाम है, सब गांव से आते हैं। यहाँ दर्शन के लिए कहाँ कहाँ से लोग आते हैं महाराज? बहुत दूर दूर से आते हैं जी, बहुत दूर दूर। ये जो भंडारा चल रहा है ये कितनी समय से कितनी समय तक, ये किसके सौजन्य से? ये गांव के समाज से है, मंदिर के से है, सबके तरफ से है जी। हाँ, ये सबकी तरफ से जी। ये सब ये समाज है। ये कितने समय से कितने समय तक? 5 से 8 तक। और यहाँ के विषय में जन संदेश क्या देना चाहेंगे आप? जन संदेश देंगे कि बस यही है कि बढ़िया भंडारा हो, बढ़िया और बढ़िया बढ़े मंदिर का स्थान हो। मंदिर हमारे बहुत ज्यादा देखो, पानी का ज्यादा समस्याएं हैं जी जी, ये चीज़ों का अभाव दिया जाए गाँव के जी। जो लोग आए आप लोगों को भी ध्यान अधिकारी से जरूर कहा जाए। यहाँ जो है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या? सुरक्षा व्यवस्था सब नंबर है, सुरक्षा के विषय में बहुत अच्छा है। कोई कम नारेश्वर मूर्त है और ये मूर्त 24 घंटा में 3 कलर बदलती है जी। यहाँ एक ऐसी दवा उत्पन्न हुई है रुद्रवंती नाम से जी, ये शिव शंकर जी के ही राग धोनी की राग से बह करके वही से रुद्रवंती उगाई है। और जितने दिन से यहाँ भोले बाबा विराजमान है जी, उतने ही दिन से ये रुद्रवंती विराजमान है। और ये अपने देश में कहीं है ही नहीं, जब देश में नहीं तो विदेश का क्या पता कि है कि नहीं जी, लेकिन अपने देश में है भी तो ये ग
गंगा जी जहाँ से निकली है गंगोत्री के ऊपर 2-3 किलोमीटर ऊपर पाई जाती, लेकिन ये वाली नहीं है रुद्रवंशी। ये सबसे नंबर एक उपयोगी है। इसका इसका क्या उपयोग है रुद्रवंशी का क्या उपयोग? अब रुद्रवंशी का उपयोग ये शरीर के तुम्हारे हर रोग में लाभ करने वाली जी ताकतवर इतनी होती है कि जब शरीर में ताकत हो जाती है तो सब लोग अपने से ही छोड़ करके भाग जाते हैं जी। जैसा कि जानकारी मिल रही है कि ये जो मूर्ति है इसकी स्थापना जो है किसी महान पुरुष द्वारा हुई है। हाँ, लेख तो इसको बताता है कि ये प्राचीन मूर्त है, वैज्ञानिकों ने इसका सर्वेक्षण किया तो आकर के फिर उन्होंने बताया कि ये 8-10 हजार साल पहले की मूर्त है। ये इसकी स्थापना के विषय में ब्रह्मलिपि क्या भाषा इनके थी जी। तो उसी से लगाया जाता है कि जब ब्रह्मलिपि भाषा चल रही थी तभी की मूर्त है जी जी। ये लोग बताते हैं, लेख भी बताता है तुम्हारा कि ये रावण के द्वारा संपादित की गई मूर्ति। यहाँ कब कब मेला लगता है और कहाँ कहाँ से लोग आते होंगे? मेला यहाँ तो एक शिवरात्रि में लगता है जी, और एक मेला बड़ा सावन में लगता है जी। सावन में कांवरिया भक्त लोग लाकर के जितने सोमवार होंगे सावन में जी, हर सोमवार को यहाँ लाकर के जल अभिषेक जल चढ़ाते हैं भोले बाबा जी जी। और बहुत दूर दूर के लोग आते हैं जल लेकर के चढ़ाने जी। हर सोमवार में आते हैं, लेकिन तीसरे सोमवार में जी सबसे ज़्यादा विशाल भीड़।